नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के जो पोस्ट ऑफिस में वैकेंसियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वैकेंसियों के बारे में सारे डिस्कस कर रखे हैं कि कितनी पोस्ट आई हैं, क्या आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ़ीस लगेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है उसकी और क्या क्या इसके जो वैकेंसी क्लियर होने वाली है, यानी जो आपका चयन प्रक्रिया है, आपका सिलेक्शन प्रक्रिया है, वो क्या क्या होने वाले हैं, सारे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल फॉर्म को कैसे भरा जाए। इसमें हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरने के लिए और फॉर्म में हम क्या क्या गलतियां ना करें जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आपको सारी नॉलेज मिल जाए और आप फॉर्म को सही से अप्लाई कर पाएँ और आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। तो हम आगे आपके आपको ले चलते हैं जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो साइट है उस पर ले चलेंगे। वहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे कि फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस के साइट पे आ चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जीडी ऑनलाइन एंगेजमेंट, तो यहाँ पे सारे फॉर्म के प्रोसेस दिए हुए हैं, आपको भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो ये उत्तर प्रदेश की जितनी वैकेंसी हैं उसके बारे में एक एक करके हमें डिटेल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में सारे वैकेंसीज के बारे में जो भी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हो सारे हमने शेयर कर दिए हैं, वहाँ पे बता दिए हैं। तो अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं फाइनली यहाँ पर कि जो इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो रजिस्ट्रेशन करने का है, सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन है, ये तीन स्टेप में फॉर्म भरा जाता है। जैसे कि पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे की बात करें दूसरा स्टेज का तो यहाँ पे फीस पेमेंट होगा, तीसरे स्टेज की बात करें तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिशन कर देना होगा फाइनली। तो हम सबसे पहले देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि स्टार्टेड डेट 23/3 को हुआ है और लास्ट डेट की बात करें तो 22/4 यानी 22 अप्रैल को इसका लास्ट डेट होगा। तो यहाँ पर हम फाइनली बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो हम रजिस्ट्रेशन के साइट को क्लिक करते हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो हम इसकी लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप जाके सीधा इस लिंक पे आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा अगला पोर्टल ये खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले नाम ऐड करेंगे, जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है फादर्स नेम, फादर्स नेम लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा आप इंटर कर सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकते हैं, जैसे मैं अपना यहाँ पे ये 1992 और ये मेरा दिसंबर का है तो मैं दिसंबर कर लूँगा, और 13 का है मेरा तो मैं यहाँ पर इस तरह से 13 चूज कर लूँगा। इस तरह से आप भी भर सकते हैं, अगर जो मेल हैं वो मेल भर सकते हैं, जो फीमेल हैं वो फीमेल पे टिक लगा सकते हैं। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी क्या है, जिसका जो भी हो अनरिजर्व्ड होगा तो अनरिजर्व्ड भरेगा, ओबीसी होगा ओबीसी भरेगा, SC ST का होगा तो ये अपना चूज कर लेंगे, यहाँ पे गलत नहीं करेंगे दोस्तों। नहीं तो जो रिजर्वेशन आपको मिलना होगा, जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था हर कैटेगरी का रिजर्वेशन अलग अलग जो एज रिलैक्सेशन है वो छूट मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे, आप जनरल अनरिजर्व में काउंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं अपना कैटेगरी। आगे हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर है EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर जो होंगे वो यस करेंगे, जो आर्थिक रूप से वीकर नहीं होंगे वो क्या करेंगे नो करेंगे, यहाँ तो नहीं भरना है। आगे हम बात करते हैं RU पर्सन डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, हमने यहाँ पे नो कर दिया। बात करें यहाँ पे PW कैटेगरी, अगर आप PW कैटेगरी में आते हैं तो आप PW लगाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि PW के लिए यहाँ पे कोई कैटेगराइज नहीं किया गया है, हमने पिछले वीडियो में बताया कि यहाँ पे कोई छूट नहीं मिला है। आगे हम बात करते हैं 10th पास, आप 10th पास कौन से स्टेट से किए हैं तो आप अपना स्टेट भर सकते हैं, जैसे आप UP के हैं तो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी कि ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर में पास हुए हैं, तो जैसे आपने जिस ईयर में पास किया होगा तो उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर हम बात करें यहीं पर आगे अगले प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप फोटो अपना लगा लेंगे, आप स्कैन करके इसको 50 KB में
50 केवी का और इसका फिक्सल भी दिया है। इन सारे डायमेंशन में आप और इतने साइज 50 केवी के साइज में आप यहाँ पे अपना फ़ोटो लेके ऑलरेडी पहले से ही रख लेंगे, तभी आप यहाँ पे फिल कर पाएंगे, नहीं तो आपका फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं होगा, आपका फ़ोटो यह नहीं लेगा। जैसे कि हम यहाँ पे फाइल चूज करके अपना फ़ोटो लगाना चाहें तो हम यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा देखिए यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, हमारा साइज बनाया हुआ है, हमारा फ़ोटो यहाँ पे बिल्कुल आ गया है। उसी तरह से हम आगे बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर भी आपके मेरा यहाँ पे बिल्कुल फिट किया हुआ है। जैसे कि सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे 20 के वी का, और अगर पिक्सल की बात करें तो 140x60 का चाहिए। तो इस तरह से आप अपना कन्वर्ट कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कोड जो कैप्चा कोड होता है उसको आपको भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे है JG43L, तो इस तरह से हमने यहाँ पे भर दिया। और यहाँ पे हम कर डिक्लेमेशन को क्लिक करके यहाँ पे हम प्रीवियस कर लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे डिक्लेमेशन पे आपको टिक करके आप प्रीवियस यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना प्रीवियस चेक कर लिया, हमने सारे चीज़ जैसे कि हमने नाम और ये सारी चीज़ यहाँ पे देख लिया है, हमारा सारा कुछ सही है। इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस पे कट करेंगे, कट करने के बाद सीधा हम सबमिशन डिटेल पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगले हम पेमेंट पे जाएंगे, और पेमेंट पे क्या करेंगे, जैसे कि पेमेंट का यहाँ पे हमारा साइट खुल रहा है। पेमेंट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा हम रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देंगे यहाँ पे। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद इसके बाद पेमेंट जिस मेथड से आपको करना होगा उस मेथड से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अगले स्टेप की बात करते हैं, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप यहाँ पे है जैसे कि फॉर्म अप्लाई सबमिशन। जैसे आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद ये आपका सारे टिक लग जाएंगे, यहाँ पे हमने किया नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जो जो मांगा है जैसे कि टेंथ का मांगेगा और डोमेसाइल मांगेगा, इन चीज़ों को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। ये सारे टिक करके आ जाएंगे, और फाइनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और यहाँ पे सेंटर चूज करने के लिए चूज करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एक करना होगा, प्रिंट निकाल के अपने आगे सुविधा के लिए आप रख सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह फॉर्म पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भरना है, और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप और लोगों को शेयर भी करेंगे, और शेयर करके और हमारे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।